हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एथलीट्स हैं वो अपनी फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है थीम वैगन। वैसे तो आप बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे फ्री HTML CSS वेबसाइट्स, तो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। लेकिन ये वेबसाइट काफ़ी हद तक आपको सही रहती है। जब आप इसको ओपन करते हैं, सो ओपन करने पर जो आपकी फ्री वेबसाइट्स होती हैं, आप फ्री पे क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, जो भी फ्री आपको HTML CSS बेस्ड वेबसाइट है वो सारी आपके दिख जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजनेस वेबसाइट के लिए ये सही है, नॉर्मली ये भी सही है। तो अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट का प्रीव्यू लेना चाहते हैं कि वो वेबसाइट आपको कैसी दिखती है, तो उस वेबसाइट का प्रीव्यू भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको लॉजिस्टिक्स बिजनेस ओपन करना है तो आप ये थीम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने प्रोफेशन के हिसाब से जो भी सबसे बेस्ट डिज़ाइन लग रहा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं इस थीम की, तो अगर इसमें जितनी भी थीम्स होती हैं आप उन सबका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो जैसे मैंने लाइव प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका जो लाइव प्रीव्यू है मैं वो चेक कर सकता हूँ। सो लाइव प्रीव्यू के अंदर यहाँ पर देखिए होम, अबाउट, सर्विसेज, वर्क, ब्लॉग, पेजेस, लाइक कॉन्टैक्ट एंड ऑल, लाइक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और एक काफ़ी हद तक एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट है। तो अगर मान लीजिए आपको इसको लेके अपना स्टार्ट करना है या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर इसको प्रॉपरली ओपन करना है एक न्यू टैब में और यहाँ पर अपनी मेल आईडी आपको डाल देनी है, जो भी आपकी मेल आईडी है। सो अभी अगर मैं अपनी ये वाली मेल आईडी डाल देता हूँ और इसको लेके अगर मैं इसको सेंड लिंक सेंड करता हूँ, सो मेरी मेल आईडी के ऊपर एक लिंक जा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी हमने लिंक क्रिएट किया था उसका लिंक यहाँ पर आ चुका है, डाउनलोड लिंक। तो हम सिंपल इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, योर डाउनलोड शुड स्टार्ट इन 3, 2, 1, इफ नॉट देन वी कैन क्लिक हियर। सो यहाँ पर हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो हम एक्सट्रैक्ट फाइल्स करते हैं। सो हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। जिप फाइल है तो इसके लिए आप 7-zip डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप बहुत सारे और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं जो कि जिप को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, सो यहाँ पर आपको सारी की सारी फाइल्स दिख जाएंगी। तो ये जो जैसे अबाउट अस, ब्लॉग पेज, ये कॉन्टैक्ट पेज, ये एलिमेंट, इंडेक्स पेज, मेन पेज, सर्विसेज, सिंगल ब्लॉग, वर्क, तो सारे के सारे पेजेस आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों, एक बार जो आपकी सारी की सारी फाइल्स आपने यहाँ पर डाउनलोड कर ली, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, सो इसके बाद जिस सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ती है इनको एडिट करने के लिए, उसे हम कहते हैं नोटपैड प्लस प्लस। आप इसको आप सर्च कीजिए डायरेक्टली गूगल पे और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड करने के बाद इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, मैं बात करता हूँ इंडेक्स फाइल की। सो आपको इसको राइट क्लिक करना है एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। आपने इसको एडिट पे क्लिक किया तो सबसे पहले अगर जो हमारे लिए सबसे मेन चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये है टाइटल। तो यहाँ पर जो भी आप अपने वेबसाइट का जो मेन टाइटल रखना चाहते हैं, जो नेम रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा है स्टार्टअप HTML5। सो अभी अगर आप जाके यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए स्टार्टअप HTML5। सो अभी अगर मैं इसे चेंज करता हूँ दिस इज माय वेबसाइट, ओके, और इसे हमने सेव कर दिया। सो अभी अगर आप जाने के बाद आप इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, सो रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं आप दिस इज माय वेबसाइट यहाँ पर लिख के आ गया। सो इसी तरीके से क्या होता है, इसको आप किसी भी लेवल तक एडिट कर सकते हैं। सो अभी जो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एडिट करने के लायक होती हैं, मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये आपका होम पेज, जैसे index.html, अबाउट, सर्विसेज, वर्क, ब्लॉग, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन को हाइड करना है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ब्लॉग नहीं दिखाना है, लेट्स सपोज कि आपको ब्लॉग नहीं दिखाना है, वे पेजेस नहीं दिखाना है, सो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पेजेस नहीं दिखाना है, तो हम पेजेस पे जाते हैं। जैसे पेजेस हमारा यहाँ पर एलिमेंट है पेजेस का, सो आपको सिंपल सा इतना सा लिखना है जो मैंने अभी बनाया हुआ है, और यहाँ पर एलिमेंट्स के पास जाके भी हम यहाँ पर एक बार इस चीज़ को बंद कर देंगे बस। तो फ्रेंड, इतना सा आपको ये मेन चीज़ स्टार्टिंग में और इस तरीके से आप एंड में करेंगे। सो अभी आप जब पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए, सो यहाँ से हमारा पेजेस गायब हो गया। सो इसी तरीके से आप कुछ भी हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने का जो कोड है वो काफ़ी सिंपल है। बाकी जो ये मेन ब्लैक में, आप यहाँ से अपना नेम चेंज कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। अब बात आते हैं जो मेन कंटेंट चेंज करने की होती है। सो कंटेंट चेंज करने में, जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर लिखा है बिजनेस लाइक सिनर्जी वाया रोबोस्ट स्ट्रेटजीज। सो यहाँ पर क्या, अगर आपको कुछ भी और लिखना है यहाँ पर जो भी अपने हिसाब से, सो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज माई वेबसाइट, ओके, एंड इसे
चलिए इसे अब यहाँ पर ले लेते हैं, एंड माई वेस। तो जैसे आप इसे सेव करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको रिफ्रेश करके, दिस इज़ माई वेबसाइट एंड माई वेस। तो दोस्तों अभी तक आपने ये देख लिया कि आपको कंटेंट कैसे चेंज करना है। तो इस तरीके से आप कोई भी कंटेंट, आप सिंपल अपनी फाइल में जाएंगे, जो आपको जैसे इंडेक्स में चेंज करना है, किस पर्टिकुलर फाइल में चेंज करना है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप उसको एडिट कर लेंगे। सो इस सिंपल तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इमेजेस चेंज करनी है तो इमेजेस आप कैसे चेंज करेंगे। देखिए इमेजेस के लिए क्या है, अभी जैसे मैं इस इमेज की बात करता हूँ कि मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज चेंज करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज चेंज करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये इमेज कहाँ पर है, और जो उसके अलावा जो और आपको इमेज रिप्लेस करनी है वो किस, वो भी आपको वापस वहाँ पर रखनी पड़ेगी, और ये किस पर्टिकुलर नेम से है, क्योंकि सेम नेम से आपको वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। सो आप इसको सिंपल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको पता लग गया कि इसका पाथ क्या है। ये आपका एसेट्स नाम का फोल्डर है, उसमें IMG नाम का फिर फोल्डर है, फिर हीरो नाम का फोल्डर है, और उसमें जो फोटो का नेम है वो hero/img.jpg। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पर जाके दिखाता हूँ, आप ये देखिए एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स के बाद यहाँ पर लिखा IMG फिर हीरो। सो एसेट्स में जाने बाद IMG देन हीरो, अभी हीरो ये रहा, एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं hero/img। ये सेम फोटो है जो लगी हुई है, और वही चीज़ आप यहाँ पर होम पेज पे देख सकते हैं। सो अभी मान लीजिए आपको इसको चेंज करना है, और इसको चेंज करना है किसी और फोटो के साथ, तो इसी के साथ आप ये देखिए यहाँ पर एक और फोटो जिसका नेम है hero/img2। सो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे देखिए hero/img, और इसका भी हम बस 2 लगा देंगे, क्योंकि जो हमारे पास और एक फोटो है। सो अभी अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप ये देखिए फोटो हमारी चेंज हो गई। सो इस तरीके से आप वहाँ पे कोई और फोटो भी डाल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन की, जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिसके आप वेबसाइट बना रहे हैं, और उसी के साथ क्या होगा, आपका हमारे पास जो पर्टिकुलर फोटोज हैं वो अपडेट हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरी की पूरी वेबसाइट अपना टाइम लगा के पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं, और वो सब कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसको चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए जो भी यहाँ पर कंटेंट होता है वो सारा का सारा डार्क ब्लैक में आपको दिख जाता है, और जो इमेजेस होती हैं इमेजेस अपने एग्जैक्ट पाथ के साथ आपको दिख जाती हैं, जो कि .jpg या .png फॉर्मेट में होती हैं। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा कंटेंट चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और अपने हिसाब से उसको सेव कर सकते हैं। तो एक बार आपने ये सारा कर लिया, सो उसके बाद आपको क्या करना है मैं वो आपको बताता हूँ। अभी एक बार जैसे आपने सब कुछ कर लिया, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से अपना हमारे पास जैसे कि मान लीजिए ये पूरा है, ठीक है, फोल्डर, तो आप इस पूरे फोल्डर को Ctrl+A देन राइट क्लिक करके आप इसको वहां पर जिप बना लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको जिप में कन्वर्ट कर दिया, सो मेरे पास ये जिप फोल्डर हो गया। अब इसका आप क्या करेंगे, अब इसको आप जो आपने सर्वर परचेज किया है, आप उसके सी पैनल में जाके बस इसको आप एक्सट्रैक्ट कर देंगे, कुछ और नहीं करना आपको, जस्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, दैट्स ऑल। सो दोस्तों जब आप अपने सी पैनल में लॉग इन करते हैं, जो भी आप परचेस करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परचेस करें, चाहे होस्टिंग राजा से, गो डैडी से, या फिर ब्लू होस्ट से, कहीं से भी, सो लॉग इन करने के बाद आपका सी पैनल कुछ आपको ऐसा दिखता है। तो जो आपका वहाँ पर जो मेन होता है, एक होता है DNS Zone Edit। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ये भी हमारा डोमेन है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो नेम सर्वर्स होते हैं, इन नेम सर्वर्स को आपको अपने होस्टिंग में जाने के बाद अपडेट करना होता है। तो जब अपने होस्टिंग में जाके ये अपडेट करते हैं, तब आपका जो डोमेन होता है वो आपके सर्वर पे आ जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, जो आपके सर्वर की आईपी एड्रेस है, आप उस आईपी एड्रेस को, और जो हमारे पास आपका ये है, मीन्स जो आपका हमारे पास नेम सर्वर्स हैं, आप उन नेम सर्वर्स को सिंपली डालते हैं, और वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। सो एक बार आपका डोमेन आपके सर्वर पे आ जाता है, सो आने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे आप फाइल मैनेजर में जाते हैं, सो फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप लॉन्च फाइल मैनेजर पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर क्या, जब फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं, सो आपको कुछ अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि जो आपका मेन जो भी आपकी पूरी वेबसाइट होती है वो आप हमेशा आपकी public/html के अंदर होती है। सो public/html जब आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपकी वेबसाइट का फुल कंटेंट है, तो ये जैसे अभी हमारी वेबसाइट का फुल कंटेंट है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको जैसे ही आप चेंज करते हैं तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं। सो दोस्तों जब आप सबको डिलीट कर देते हैं, जब आपने सबको डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ भी यहाँ पर नहीं है। सो अगर अभी आप वेबसाइट को एसेस करेंगे और इसको ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक टेस्टिंग पेज दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। सो अभी हम एक काम करेंगे, अभी हमने अभी क्रिएट की थी फाइल्स, तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ पर जाके हम उसे अपलोड कर देते हैं पहले। तो
तो हमें हमने क्लिक किया। अब हमने वो किस में रखी थी, हम जैसे ये हमारा फोल्डर था और हमने जो जिप बनाया था, ये हमारा जिप फोल्डर है जो हमने चेंजेस के साथ बनाया था। सो उसको आपने अपलोड कर देना है। सो एक बार आपका अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा, आप वापस आएंगे, आप उसको रिलोड पे क्लिक करेंगे। सो अब ये देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सेम चीज़ आपको करनी है, एक बार आपने वो कर लिया फिर उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये देखिए आपका सारा होम पेज पे कंटेंट आ गया सारा। और अगर अभी मैं अपनी वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट थी कोडिंग लॉयंस, अगर मैं उसको अभी रिफ्रेश करूंगा, सो सेम चीज़ आ गई जो भी हमने वहां पर क्रिएट की थी ना वेबसाइट। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा दिस इज माई वेबसाइट, जो हमने कंटेंट में चेंजेस किए थे। और जो भी हमारे जो अदर जो फाइल्स हैं, फोटोज हैं, इमेजेस हैं, वो सारी सारी आ चुकी हैं। सो दोस्तों, इतना सिंपल होता है एक प्रॉपर वेबसाइट को बनाना और उसको लॉन्च करना। मेन जो आपको टाइम लगाना होता है वो इस कंटेंट पर लगाना होता है। आप कंटेंट अपने हिसाब से ऐड एडिट डिलीट कर सकते हैं। और एक बार आपका कंटेंट और इमेजेस आपके हिसाब से हो गए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको बस अपने सर्वर में आने के बाद अपनी जो आपका फोल्डर, आप जिप फोल्डर आपने बनाया हुआ है, उसको बस वहां पर डालना है और आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं खुद की वेबसाइट, सो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए, जैसे आपको डायनेमिक वेबसाइट चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको होस्टिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग स्पेस लो कॉस्ट में चाहिए, सो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू इन ऑल द पॉसिबल वेज।